नमस्कार, पुनः जो है हम विवेक महाजन जी का स्वागत करते हैं, जो कि अपने आप में एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिन्होंने इनके घर से लगभग 300-400 एकड़ जगह भी है, ये इनकी गन्ना की फैक्ट्री भी है। तो ही इज द मोस्ट रिलेवेंट पर्सन जिनसे की बातचीत क्राइम फ्री भारत करना चाहेगा। इनके दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, हम इनके आभारी हैं कि हम तक पहुंचे। तो मैं जानना चाहूंगा कि पहले आप ये बताइए कि आपको सीएफबी के बारे में मालूम कैसे पड़ा और आपके मन में क्या शंकाएं कुशंकाएं क्या प्रश्न हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये जवाब हमारे आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हमारे सैकड़ों किसानों के लिए है, सैकड़ों इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, सैकड़ों जो सीड वाले हैं उनके लिए, जो सैपलिंग नर्सरी वाले हैं उनके लिए है, जो ब्रीडिंग सेंटर वाले हैं उनके लिए है, जिससे कि हम उन्हें जोड़ के एक इकोसिस्टम बना सकें और देश को जो है ना एक खुशहाली बांट सकें, स्वस्थ बांट सकें। मिस्टर विवेक महाजन, मुझे क्राइम फ्री भारत के बारे में डॉक्टर नरेंद्र शिवरी जी से जानकारी मिली और उन्हीं के माध्यम से मैं आपसे मुलाकात कर सका। मैं उनका बहुत आभार के लिए आभारी हूँ। मैं भी नरेंद्र शिवरे जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आपको हम तक पहुँचाया, और मैं इस बात को अपेक्षा करता हूँ कि हमारा संवाद जो है आप अपने क्षेत्र के और जो भी आप लोगों से जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुँचाएं। मैं आपसे ये भी अनुरोध करूँगा कि वो लोग जुड़ेंगे और जुड़ने में जो समय लगेगा लगता रहेगा, लेकिन उसके पहले वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर टाइप करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इसमें जो संख्या है वो लगभग 4,723 कुछ है। हम चाहते हैं कि इसमें 4-5 लाख लोग और उससे ज्यादा लोग जुड़े दिखाई दें, जिससे कि क्राइम फ्री भारत जो है साइकोलॉजिकली जो है एक अपने आप को मजबूत महसूस कर सके। तो कम से कम जब हम जो और चीज फायदा उठाएंगे उठाते रहेंगे, तब तक कम से कम एक काम तो कर ही सकते हैं कि ये संदेश जो है ना हम जन जन तक पहुंचाएं और उनसे अनुरोध करें कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्रिप्शन की संख्या है वो क्राइम फ्री भारत को एक मजबूती प्रदान करेंगे। तो चाहे हम और कुछ ना कर सकें, इतने महान जो है ना इनिशिएटिव को मजबूती प्रदान करने का कार्रवाई तो करना चाहिए। विवेक जी, आप भी लोगों से जो है ना एक प्रार्थना इस बारे में कर लीजिए। जैसे कि नाम है क्राइम फ्री भारत, इससे तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये कोई अपराध रोकने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है या एनजीओ है, लेकिन आपने इसमें रासायनिक खेती को भी शामिल किया है और उससे होने वाले जो बीमारियां हो रही हैं उसको भी एक अपराध माना है, ये आपका बड़ा स्टेप है और इसके लिए आप निश्चित धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने क्राइम फ्री भारत में इस बात को दिया है। तो दर्शकगण इस बात को ये न समझे कि ये कोई अपराध रोकने के लिए है, इसमें कृषि का भी जैविक कृषि को हमको लाना है। तो हालांकि अभी ये शुरुआती अवस्था है, बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं मेरे मन में, आप लोग के मन में भी होंगे कि ये किस तरह से मैदान पे आएगा, किस तरह से फील्ड पे आएगा, किस तरह से इसमें पैसा आएगा, किसानों को किस तरह से मिलेगा, जैविक कृषि किस तरह से होगी, कितने सारे कीड़े और बीमारियां लगती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जैविक दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, तो जो उत्पाद निकलेगा उसका बाजार कहाँ बनेगा, वो कैसे बिकेगा, ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। तो उस समय में ही मैं आपसे कुछ, तो पहले तो मैं पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही बुनियादी प्रश्न जो है ना आपके जेहन में है। मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके प्रश्न पूछें और हम एक एक करके जवाब। इसमें इसका नेटवर्क किस तरह से बनेगा? देखिए, पहले तो जो है ना आपका पहली जो बात आपने कही थी कि क्राइम फ्री भारत का जो मूल उद्देश्य है वो क्राइम फ्री भारत स्थापित करना है, और उसके लिए 5 सर्टेनिटीज हैं कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। दूसरी सर्टेनिटी है कि सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर भी आपके सभी ऑफेंसेस को डिटेक्ट कर पाए। तीसरी सर्टेनिटी है कि बहुत कम समय में एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के आधार पर हम 15 दिन में जो है लोगों को सजा दिला पाए, और
इसके लिए पूरा एक मेथोडोलॉजी डेवलप की गई है, उस मेथोडोलॉजी के तहत सबों को सजा दिला पाए, फिर उस मेथोडोलॉजी के तहत जो है हम अपराधों को रोक पाए। तो सीएफबी का जो बैकएंड इंजन है वो अपराध करने के पहले जो है ना ये निष्कर्ष निकाल पाएगा कि ये व्यक्ति इन लोगों के साथ अपराध करने जा रहा है, और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 80% to 90% केसेस में उन्हें अपराध करने के पहले वो रोक पाएंगे। और फिर सवाल ये है कि जब आपको इतनी जानकारी है तो आप अपराधी को अपराधी क्यों बना रहना चाहते हैं, तो उसको रिहैबिलिटेशन की स्ट्रेटेजी जो है ना उसमें रखी गई है। बल्कि देखा जाए तो सीएफबी ने जो बाहर तरफ झांका वो इसलिए झांका क्योंकि उसे व्यवसाय चाहिए था लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, क्रिमिनल्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए। तो फिर सवाल आया कि अकेला क्रिमिनल्स को ही क्यों रिहैबिलिटेट किया जाए, जो हमारे कामगार हैं, जो हमारे कृषक हैं, उनको भी क्यों ना रिहैबिलिटेट किया जाए। आज उनकी स्थिति दयनीय है, वो एकलों में किसी चीज को उगाते हैं और उनके ऊपर के बदन का जो है ना शर्ट गायब हो रही है, और उनके उत्पाद को जो 3x5 के ठेले में बेच रहा है उसके साथ दो नौकर हो गए, वो उसी उत्पाद को 4x5x7x कीमत पे बेच पा रहा है, और यही स्थिति सभी उत्पादकों की है। देखिए एक शर्ट बनाने वाली जो कंपनी है वो धागा खरीदती है, उसको बुनती है, कपड़ा में कन्वर्ट करती है, स्टिच करती है, स्टिच करके जो है ना उसमें शर्ट में कन्वर्ट करती है, और उसकी पूरी कॉस्ट जो है ना वो 500 रुपए के लगभग आती होगी, हमारे शोरूम वाले उसे 2500 में बेचने में सफल होते। तो सिर्फ जो है ना एक एयर कंडीशन एनवायरमेंट में सजा के और अच्छे अच्छे सुंदर जो है ना सेल्स पर्सन रख के आप क्या हर शर्ट पे 2000 रुपए कमाएंगे। तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये जो मिडल मैन के द्वारा जो है अनड्यू चीजें की जा रही है। तो एक तो जो है ना प्रॉब्लम है कि इनएफिशिएंट सिस्टम के कारण कॉस्टिंग जो है ना बहुत ज्यादा हो जा रही है, राइट, और कस्टमर एंड पे वो चीज बहुत महंगी बिक रही है लेकिन प्रोड्यूसर एंड पे उसका पैसा नहीं। तो बीच के लोग जो है ना उसको पॉकेट करके स्टोर करके और उसको अपने हिसाब से बेच के उसी को जो है ना दुगना तिगना चौगना पैसा कमा पा रहे हैं, अपने आप को सेठ कह रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को इन सबको जो है ना धन भी बांट रहे हैं वो, लेकिन हमारा किसान जो है ना वो गरीब होता है, राइट। तो क्राइम फ्री भारत ने सोचा कि हम धन की वर्षा करेंगे किसानों पर और एक इनिशिएटिव लेके आए जिसका नाम रखा सीएफबी एग्रो मॉडल, मतलब वो एग्रो एग्रीकल्चर पर है और ये ज्वाइंट वेंचर मॉडल है जिसमें किसान हैं वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट के तहत हमारे ज्वाइंट वेंचरिस्ट होंगे और उन्हें अपने ही खेत पे जो है ना उसको मैनेज करने के लिए उनको एक मैनेजमेंट का एक सैलरी भी मिलेगी, राइट, और वो सैलरी जो है ना कॉस्ट सेटिंग अकाउंट में जाएगी, राइट। उन्हें जो है उनके फील्ड में काम करने के लिए जो गाँव के लोग हैं उनको प्रिसाइज स्किल दिया जाएगा और ये ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट खाली पड़े हुए हैं उन सब में छोटे छोटे जो है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज रखे जाएंगे और वो ये डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज नहीं रहेंगे क्योंकि आपको डिग्री और डिप्लोमा की जरूरत ही नहीं है, आप इन कोर्सेज को करिए और सीधे जो है सीएफ भी आपको एक्वायर कर लेगी। तो आपको जो है और आपको जो कोई सैलरी नहीं मिलेगी, आपको जितना आप काम करेंगे उसकी एफिशिएंसी क्वालिटी को असेस किया जाएगा और एक चीज को और असेस किया जाएगा, ह्यूमिलिटी। हम ये महसूस कर रहे हैं कि वर्कर क्लास में ह्यूमिलिटी गायब हो गई है, उद्दंडता आ गई है, झूठ बोलते हैं, बदमाशी करते हैं, ये इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो वही ऐप जो उसकी एफिशिएंसी को पकड़ेगा, जो उसकी क्वालिटी को पकड़ेगा, वही जो है ना उसकी ह्यूमिलिटी को भी पकड़ेगा और उसको जो रेवेन्यू स्ट्रीम आ रही है वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी। और जो जैसे जो करिए उसे 1000 रुपये मिलना चाहिए और उसकी ह्यूमिलिटी इंडेक्स और एफिशिएंसी इंडेक्स जो है ना 0.6 बनाती है तो उसे 1000 रुपये की जगह 700 रुपये मिलेंगे। तो ये 300 रुपये कहाँ जाएंगे, वो 300 रुपये उस क्लास के वेलफेयर फंड में चले जाएंगे और उसको अपने ऐप में दिखेगा कि उसको 1000 मिलना चाहिए 700 मिले, 300 वेलफेयर फंड में चले गए। तो धीरे धीरे जब उसको लगेगा कि उसके इस व्यवहार के कारण उसके पैसे कट रहे हैं तो उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा। ये वैदिक साइंस कहती है कि किसी बिहेवियर को यदि 21 दिन तक रिपीट किया जाए तो वो धीरे धीरे आपकी आदत का हिस्सा बनने लग जाता है, पर यदि उसी चीज को यदि हम 90 दिन तक रिपीट करें तो वो इनग्रेन हो जाता है और यदि हम उसे इंडेफिनेटली करेंगे तो वो आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा, आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। तो हम इस सिस्टम से ना केवल जो है ना अच्छे वर्कर पैदा करेंगे, उनको जो है ना स्किल डेवलपमेंट देंगे और स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेस होंगे वो सर्टिफिकेट कोर्सेस होंगे जिसके लिए सीएफबी सर्टिफिकेट जारी करेगा और ये 3 दिन से लेकर 3 माह के होंगे और उसमें जो है
उनको उन इक्विपमेंट और मशीनरी को भी दिया जाएगा जो कि वो ग्राउंड पे यूज करेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो युवा है वो दारू के कारण और बहुत सारी नेगेटिव चीजों के कारण है, जो दुष्ट राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए आपको वोट मान के आपको नष्ट कर दिया है, फिजिकली नष्ट कर दिया है, चरित्र से नष्ट कर दिया है। उन्होंने जो है ना गांव गांव में जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को पहुंचा दिया है, उन्होंने गांव गांव में जो है ना जहर रूपी शराब को पहुंचा दिया है। आज गांव का माहौल जो है ना बहुत खराब हो गया है, जहां पे पहले एक दूसरे के प्रति सम्मान हुआ करता था, आप इस बात को मेरे से ज्यादा अच्छे ढंग से महसूस कर सकते हैं। तो हम जो है ज्ञान नहीं बांटेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, और जिस रोल के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं उस रोल के लिए जितना दिन में जो है ना वो ज्ञान दिया जा सकता है अभ्यास के साथ, उतने दिन का वो कोर्स होगा। यदि 3 दिन में दिया सकता तो 3 दिन का कोर्स होगा, 5 दिन में दिया सकता तो 5 दिन का कोर्स होगा, 7 दिन में दिया सकता तो 7 दिन का कोर्स होगा, 15 दिन में दिया सकता तो 15 दिन का कोर्स होगा, 1 महीने में दिया सकता तो 1 महीने का कोर्स होगा, 3 महीने से बड़ा कोई कोर्स राइट। और जब हम आपको ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा आएगा और जो आपका वो होगा वो आपको जो है बाद में आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। तो आपको बिना आपको उस दौरान जो है खाने पीने की व्यवस्था भी होगी जो कि जिसकी कॉस्ट आपके अकाउंट में जाएगी बाद में आपसे रिकवर होगी। जो आपको ट्रेनिंग के दौरान वो होगा उसमें भी आपको रिकवर होगा, और ट्रेनिंग के दौरान आपके मेहनत को जो है ना कोशिश करेंगे कि नियर बाय फील्ड पे यूज कर लें, तो जो अर्निंग होगी वो आपकी पॉजिटिव अर्निंग में चली जाएगी, और फिर आप वहां अपने गाँव में ही पहुंच जाएंगे। और CFB की ऐसी सोच है कि वो आपको जो है कहना चाहिए कि 48,000 रुपीज पर मंथ की परचेजिंग पावर हम अपने CFB वर्कर को देना चाहते हैं। तो यदि एक परिवार में 4 वर्कर हैं तो उसकी पर मंथ जो है इनकम CFB के एस्टीमेट के हिसाब से 2 लाख रुपए प्रति माह होना चाहिए। तो जो फैमिली आज जो है 10,000 नहीं कमा पा रही है, अंदाज करिए कि यदि वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने लगेगी तो उसके घर अच्छे हो जाएंगे, उसके अपने घर में टेलीविजन होंगे, और वो सब चीजें CFB अपने ई कॉमर्स इकोसिस्टम के माध्यम से पहुंचाए तो उसके लिए भी बेस्ट क्वालिटी रहेगी। CFB एक और मॉडल लेके आ रहा है कि भविष्य में जितनी भी चीजें होंगी वो लाइफ टाइम वारंटी के साथ होंगी। तो इसके लिए हम इंडस्ट्री से जो है ना वो करेंगे, और यदि उसका सुपीरियर मॉडल आता है तो ये सेट जो है चला जाएगा, उसको खोल के जो चीज बदलना है वो बदल दी जाएगी, और आपके पास जो है बहुत मिनिमम प्राइस पे उसका नया अपडेटेड मॉडल हो जाएगा। यही चीज जो है ना आपके टीवी के साथ होगी, यही चीज आपके फ्रिज के साथ होगी, यही चीज आपके मशीनों के साथ होगी, यही चीज आपके जो है मोबाइल्स के साथ होगी। आगे चल के हमारा वर्कर जो है एक विदेश यात्रा पे होना करे तो CFB जो है ऐसी प्रमोशनल स्कीम्स लाएंगे कि हमारे गाँव का जो खेत में काम करने वाला वर्कर है उसको भी हम विदेश यात्रा करेंगे, जिससे वो महसूस कर पाए कि उसकी जीवन जो है अब विदेशों से ज्यादा अच्छा है। और हर खेत में जो है कुछ हट बनाई जाएंगी जो कि बहुत ही मॉडर्न होगी, ऊपर से जो है ना वैदिक होगी, अंदर से जो है ना मॉडर्न होगी, या वो जो कि विदेशी टूरिस्ट के लिए जो है ना रखी जाएंगी। तो जैसे पहले वैदिक काल में और उस काल में तक्षशिला के काल में और उसमें विदेशी टूरिस्ट आया करते थे और बड़े बड़े जो है ना ट्रैवलॉग लिखते थे, आने वाले समय में विदेशी टूरिस्ट यहाँ आएंगे और जो एक न्यू बातें हम कर रहे हैं, प्रॉब्ली जो हम विराट स्वरूप कर रहे हैं उसका आके अध्ययन करेंगे और उनके ट्रैवलॉग में वो सब चीजें लिखी जाएंगी। आपके प्रश्न का कुछ थोड़ा बहुत जवाब ठीक ठाक आपको लगा? ओके, अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए। अभी पूरी बात हम कह पाए या कुछ रह गए? अभी मार्केटिंग की बात रहेगी। ओके, तो ये हो गया है आपके स्किल डेवलपमेंट करके वर्कर का राइट। इस वर्कर को जो इक्विपमेंट और मशीन में ये टूल्स हैं उनमें RFID लगेगी, GPS लगेगा, IoT सेंसर्स लगेंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम इतना खराब हो गया है कि आज हर कोई बेईमानी पे उतरा हुआ, तो वर्कर की भी वही स्थिति है। तो वो आपकी इफिशियंसी किसी सुपरवाइजर के माध्यम से नहीं जाएगी, वो चीज जो है उसमें ये IoT डिवाइसेस और ये सब चीजें पकड़ेंगे राइट। और जो इक्विपमेंट एंड मशीन अभी उपलब्ध नहीं है, CFP जो है ना उन चीजों को भी छोटी छोटी चीजों को इक्विपमेंट और मशीन को डिजाइन करके उन वर्कर्स को जो है ना पहुंचाएगी और वो CFP की तरफ से पहुंचेंगे, तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनका आउटपुट बहुत हाई रहेगा। उनको जो है ना वो जो है एक खेत पे काम नहीं करेंगे, वो गए
25-50 जितने भी जरूरत है, एक जगह टीम जाएंगे, उन्होंने दिन भर में वहां काम किया, बस बाहर खड़ी हुई है उस पर बैठे और दूसरे खेत में चले। तो उनकी अर्निंग जो हम 48,000 कह रहे हैं, इस बात की संभावना है कि जो भी वो काम कंप्लीट करेंगे उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा उनको, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। तो यदि मान लो वो जीरो काम करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, मुफ्तखोरी के लिए कोई जगह नहीं है, सरकार थोड़ी है मुफ्तखोरी। तो उनके हम समय को बचाएंगे, उनको प्रोडक्टिव बनाएंगे और उनको भर भर के जो है ना पैसा भी, ये तो हो गया वर्कर साइड। किसान की साइड में किसान को यदि वो अपने ही फील्ड में मैनेजर रहेगा, सीएफपी मैनेजर, राइट, यदि वो उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने फील्ड में सीएफपी मैनेजर बन पाए, तो हम साइंटिस्ट को दूसरे लोगों को जो ना वहाँ भेजेंगे और वो उनके फील्ड में जो है वो होंगे मैनेजर, और उसके वो सैलरी उस व्यक्ति के पास जाएगी जो जिसको मैनेजर बनाया जाएगा, अदरवाइज वो सैलरी किसान के पास आएगी। क्योंकि हम पहला हमारे प्रायोरिटी है कि किसान जिसकी जमीन है वो अपने फील्ड का खुद का मैनेजर, और उसके लिए उसको सैलरी भी मिलेगी, और वो सैलरी जो है उसके प्रॉफिट अकाउंट में ना जाके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमने दूसरा पार्ट कवर कर लिया, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। आपके यहाँ पे जो गड्ढे खुदना है पेड़ों के लिए, तो एक कंपोजिट खेती आपको जो है जो खेती करना होगी वो हमारे मॉडल में करना पड़ेगा। हमारा मॉडल क्या है कि उस खेत में कंपोजिट खेती होगी। कंपोजिट खेती का क्या मतलब है कि उसमें फ्रूट्स प्लांट होंगे जिसको हॉर्टिकल्चर प्लांट्स कहते हैं, उसमें मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, उसमें एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, क्योंकि एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो केमिकल फ्री प्रसारण और उन सब चीज़ों को सेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की यूज होगा। तो मेडिसिन पे भी जोर है और एरोमेटिक प्लांट्स पर भी जोर। और फिर जो है बहुत सारे न्यूट्रिशियस प्लांट्स हैं जिनको एज ए फॉडर यूज किया जाएगा। तो अब जो है अधिकांश जो है न्यूट्रिशियस इनपुट जो जो उनको मिलेगा गाँव को वो केमिकल फ्री भूसे से मिलेगा, उसमें जो है न्यूट्रिशियस पत्तियां कट के डलेंगी और उसमें वो सब चीजें मिलेंगी जो कि उसको मिलना चाहिए। क्योंकि हम जो है ना गाय को गाय माता मान रहे हैं, हम उसको जो है एक गर्भवती महिला की तरह मान रहे हैं कि गर्भवती महिला को जैसा कि हम परिवार वाले ध्यान देते हैं, उसे न्यूट्रिशन मिले, उसके आसपास अच्छा वातावरण हो, वैसा ही वातावरण उस गाय को मिलेगा। देन जो है उसमें सब्जियां भी होंगी, उसमें सीरियल भी होंगे, और एक बैकएंड इंजन जो है वो सब डिसीजन मेकिंग जो है वो किसान को देगा। तो हमारा जो फ्रंट लाइनर्स है, जो साइंटिस्ट है, वो ये एस्टीमेट करेंगे कि हमें कितनी एकरेज किस चीज में लाना है, राइट। आप एज ए किसान और वो उसकी क्या फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी होगी, ये बैकएंड इंजन कैलकुलेट करेगा, राइट, और बैकएंड इंजन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसको ऊपर भी लगा देगा। तो किसान को जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसी को ऑप्ट करेगा। लेकिन जैसे ही जो है वो नेशनल एग्रीगेट जो एकरेज पर पहुंचेगा वो ऑप्शन ग्रे हो जाएगा, तो किसान जो है ना ओवर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि वो स्थिति कभी नहीं बनेगी जब आपका टमाटर और प्याज वगैरह जो है ना जमीन पर फेंका, और ये जो एग्रीगेट डिमांड जो कैलकुलेट होगी ये डायनामिकली कैलकुलेट होगी, हर साल अलग अलग कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी जो कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके पब्लिक के उपयोगी लाइन बनाएंगे, और उससे जो कि परिसेबल कम्युनिटी का जो स्वरूप है वो डिफरेंट हो जाए, जिससे कि वो ज्यादा समय तक पब्लिक के उपयोग के लिए मिल सके, राइट। तो जो ये एपीओज है इनकी जो इनकम है वो भी कॉस्ट सेफ्टिंग अकाउंट में जाएगी। इसके बाद हमारा जो है एग्रीमेंट जो है वर्कर्स तो गड्ढे खोल दिए, राइट, जो नर्सरी वाला है उनसे एग्रीमेंट होगा, तो नर्सरी से जैसे ही उसके प्लांट बाहर निकलेंगे उसको नर्सरी वाले को पेमेंट देंगे, ट्रांसपोर्ट जो रहेगा वो उसको लेके आपके खेत तक पहुंचाएगा, राइट। तो जैसे ही ट्रांसपोर्ट आपके खेत तक पहुंचाएगा क्वालिटी और अवेलेबिलिटी के ग्रेडिंग के बाद उसको पेमेंट हो जाएगा, राइट। प्लांट लगाने के लिए अलग वर्कर्स होंगे जिनको इसके लिए स्पेशलाइजेशन होगा, वो उनके पास जो है ना जैविक खाद पहुंच जाएगी और उस खाद को डाल के वो प्लांट्स लगा पाएंगे। ऐसे ही जो है आपको जो फल चुनना है ये चुनना है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो है सिस्टम इन प्लेस रहेंगे। तो आप अंदाज करिए कि आप बिना ज्ञान के जो भी ज्ञान जहां पे अवेलेबल है
उसको प्रोसेसेस में डाल के हम उसका एडवांटेज ले पाएंगे और उस एडवांटेज को लेने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना राइट। तो जो प्रॉफिट अकाउंट है इसमें चूंकि ज्वाइंट वेंचर है तो सीएफबी की और किसान की जो है 20-80 की जो है उसमें पार्टनरशिप रहेगी राइट। और पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे अभी अपन वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे किसानों को भी विदेश की यात्रा भी कराई जाएगी जिससे वो देख सके कि अब उनकी स्थिति विदेशों में जो किसान है उनसे बेहतर है। बल्कि जो है ढेर सारे विदेश के किसान जो है इंडिया में आके अध्ययन के लिए आएंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, ठीक है ना। अब ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया है किसानों का, ठीक है ना। इसमें चाहे वो गाय ब्रीडिंग का रहेगा तो गाय ब्रीडिंग के सेंटर्स भी पार्टनर्स होंगे, ऐसे ही जो आपके यहाँ पर कब गाय पहुंच रही है उसके हिसाब से उसके पहले वहां पर सेंड मिल जाएगा, उसके नीचे जो फ्लोरिंग होगी वो इतनी अच्छी फ्लोरिंग होगी कि वो गाय के लिए सबसे बेस्ट अनुकूल रहेगी, वो इंक्लाइन सरफेस पे होगी तो जो मूत्र वगैरह है वह वहां पहुंच जाएगा, उस गायशाला को धोने के लिए और गायों को नहाने की व्यवस्था होगी, उसमें मंत्रों का चलने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के ध्वनि यंत्र लगेंगे, उसमें दिन में 3 बार हवन होने का जो है ना व्यवस्था होगी। तो हम जो है इसमें हमारी सोच ये है कि जैसे गर्भवती महिला को चारों तरफ हम एक अच्छा वातावरण देते हैं, यदि हम अपनी गाय माता को वो वातावरण देंगे तो वो उसके गाय में एनर्जी के फॉर्मेट में जाएगा, उसके जो है मूत्र में जाएगा, उसके गोबर में जाएगा। तो आज हमारा जो इवन देसी गाय का जो दूध है जो कि वो खा रही है वो भी केमिकल चीजें खा रही है, अभी वो उसका जो है ना अल्फा 2 वैरायटी होने के बावजूद भी वो भी उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उसको केमिकल पॉइजन को वो भी ले रही है तो वो दूध में जाएगा। तो फिर जो है हमारा जो दूध होगा वो बेसिकली अमृत तुल्य होगा। और चूंकि हर जो है ना खेत में डिपेंडिंग अपॉन द साइज गौशाला भी होगी तो हम जो है ना पर्याप्त जो है ना गोबर पैदा कर पाएंगे, पर्याप्त दूध कर पाएंगे और घी कर पाएंगे और वो सब अमृत तुल्य होगा। तो हमारा अनाज भी अमृत तुल्य होगा, हमारे फल भी अमृत तुल्य होंगे, हमारी सब्जियां भी अमृत तुल्य होंगी, हमारे जो है ना सीरियल्स खाद्यान्न है वो भी अमृत तुल्य होंगे। इसके बाद हमने गाय के बारे में बता दिया कि गाय से जो है ना हम गोबर प्लांट्स को कैसे जो है गोबर से पहले गैस निकालेंगे, फिर उसमें अर्थवर्म डालेंगे, फिर उसमें माइक्रोब डालेंगे, एल्गी डालेंगे, तो जो हमारी खाद है वो केवल ऑर्गेनिक ना होकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री भी होगी, क्योंकि जो माइक्रोब्स है जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और इसकी जो है ना रेगुलर हम डोजिंग भी करेंगे तो हम 2 या 3 साल में जो वर्तमान में आप इतनी महंगी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को डाल के कर पा रहे हो वो हम जो है ना उससे ज्यादा 20-30% और 50% ज्यादा प्रोडक्शन अच्छी सॉइल के साथ ले पाएंगे। आपने जो है एक क्वेश्चन मुझसे ये भी किया था पहले कि जो बहुत सारे टेस्ट हैं उनका कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक जो है सॉल्यूशंस क्रिएट हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स पैदा हो गए हैं जो कि इन पेस्ट को खा सकते हैं। तो वो चीजें जो है वो खाद के साथ ही मिला दी जाएगी तो वो पेस्ट पैदा होने की स्थिति ही गर्भित नहीं क्योंकि उसका प्रोटेक्शन विल गो अलॉन्ग विद द खाद राइट। अब आपका हर खेत में जो है एक बी कीपिंग का सिस्टम भी रहेगा। अभी हम अपनी दवाइयों के लिए और अपने उससे रिलेटेड चीजों के लिए भी शुद्ध जो है शायद नहीं ले पा रहे हैं और जब एक मेडिसिनल पार्क में हम बी कीपिंग करेंगे तो जो उस मेडिसिन प्लांट की कुछ वैल्यू है वो शहद में भी चली जाएगी, गाय के दूध में भी चली जाएगी राइट। तो हमारी दूध जो है ना केवल न्यूट्रिशियस भी नहीं रहेगा, केवल अमृत तुल्य भी नहीं रहेगा लेकिन वो अपने आप में औषधि भी होगा और ऐसे ही हमारी सेहत भी औषधि बन जाएगी। हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में तीनों तरफ जो है ना एक 8-10 फीट गहरी खाई होगी जिसका काम पानी को अंदर ले जाता है और उसके चारों तरफ जो है ना बड़े बड़े जो प्लांट्स हम बता रहे हैं फलों के प्लांट्स, मेडिसिन के प्लांट, एरोमेटिक प्लांट्स और फॉडर प्लांट्स लगेंगे तो उनकी जो गहरी जड़ें जाएंगी, हम धीरे धीरे उनको नीचे से ट्रिमिंग करते जाएंगे तो जैसे हम ट्रिमिंग करेंगे वैसे ही प्लांट ऊपर चला जाएगा तो हम नीचे उसकी खेती भी कर पाएंगे और जड़ें भी हमारी नीचे जाएंगी तो हमारी बाटल जो है ना नीचे तक की स्पीड बढ़ जाएगी। हमारा पानी जो अभी 400 फीट 1000 फीट नीचे चला गया है वो 8 फीट पे आ जाएगा और हमें फ्लड की स्थिति से भी कभी सामना नहीं करना पड़ेगा और हमें जो है ड्रॉट की स्थिति का भी सामना
आपको ये बात कुछ कन्विंसिंग लग रही है?